अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DIY तहसीर वर्ल्ड, आपका फेवरेट चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ये एक ऐसी डिवाइस जो कि है बहुत ही यूनिक। इस डिवाइस की खास बात यह है कि ये आइस बना सकती है। क्या आपको लगता है ये ऐसा कर सकती है? अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज इसी वक्त कमेंट के अंदर लिखें यस। इसके अंदर 5 पेल्टियर यूनिट लगे हैं, TEC 12705, 4 कूलिंग ब्लॉक लगे हैं, वाटर कूलिंग ब्लॉक, और 5वें पेल्टियर के नीचे ये अल्मीनियम की हीट सिंक लगी है, जिसके नीचे ये कूलिंग फैन लगा हुआ है। और इस डिवाइस का साइज तकरीबन ये है कि आप मेरे हाथ में आसानी से देख सकते हैं कि इतनी बड़ी है। ये फैन तकरीबन 1 amp कंज्यूम करता है और 5 पेल्टियर्स, ईच पेल्टियर जो है हमारे 5 amps कंज्यूम करते हैं तकरीबन। तो इसे चलाने के लिए हमें वाटर सर्कुलेशन सिस्टम लगाना होगा और रेडिएटर लगाना होगा, जिसमें वाटर सर्कुलेट होगा, इन पेल्टियर्स की हीट को निकाल कर वो रेडिएटर तक ले जाएगा पंप के थ्रू, और वो हीट फिर एग्जॉस्ट होगी फैन के थ्रू हवा के अंदर, तो पानी वापस ठंडा होगा इस पेल्टियर के अंदर आ जाएगा, जिसकी मदद से पेल्टियर्स को काम करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और पेल्टियर की जो गर्म वाली साइड है, जो इसकी जो गर्मी है पेल्टियर की, वो रिड्यूस हो सकेगी। तो पेल्टियर की हीट अगर रिड्यूस होगी तो अंदर कूलिंग ज़बरदस्त होगी। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएँ। तो ये आप इसकी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। और इसे बनाने के लिए मैंने पहले 4 पेल्टियर्स को आपस में एक क्यूब शेप में सुपर ग्लू किया, और 5वें पेल्टियर को नीचे की तरफ से सुपर ग्लू करके बॉक्स कंप्लीट कर लिया मैंने। फिर अंदर से इसमें सुपर ग्लू अप्लाई करके मैंने उसे एयर टाइट बनाया। फिर इसी तरीके से मैंने 4 कूलिंग ब्लॉक्स के बीच में ये वुडन ब्लॉक्स रख के उन्हें ग्लू किया और उनका एक स्क्वायर बना लिया मैंने। और स्क्वायर बनाने के बाद मैंने पेल्टियर के हीटिंग वाली साइड के ऊपर थर्मल पेस्ट अप्लाई किया 4 पेल्टियर की साइड पर, और उसे नीचे इस तरीके से ये कूलिंग ब्लॉक को स्लाइड कर दिया, तो इस तरीके से ये सिक्योर हो गया। उसके बाद 5वें पेल्टियर जो नीचे की साइड पे है, उसकी हीटिंग साइड के ऊपर मैंने थर्मल पेस्ट लगाया और नीचे की तरफ ये एल्यूमिनियम हीट सिंक लगा दी, और इनके बीच में मैंने एक ये फॉर्म शीट लगा दी थी ताकि हीट इसके अंदर ट्रांसफ़र ना हो। तो इस तरीके से करने के बाद ये पेल्टियर की कूलिंग ब्लॉक जो है, जो वाटर कूलिंग ब्लॉक है, इसे अपनी जगह पर रोकने के लिए मैंने इस तरीके के पीवीसी पीसेस कट किए कुछ, और इसे इस तरीके से स्क्रू कर दिया ताकि ये पेल्टियर के जो कूलिंग ब्लॉक से ये बाहर की तरफ ना निकल सकें, इसके साथ अच्छे से कनेक्टेड रहें। और पेल्टियर्स को रोकने के लिए मैंने मज़ीद पीवीसी के पीसेस कट करके इस तरीके से सुपर ग्लू कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं क्लियरली। उसके बाद पेल्टियर की वायरिंग करने के लिए मैंने ये कनेक्टर्स लगाए हैं, कपलर, जो वायरिंग की कपलिंग करने के लिए होते हैं। इसके अंदर मैंने ईच पेल्टियर के वायर, ये देखें, ब्लैक वाला यहाँ से जा रहा है और रेड वाला यहाँ से जा रहा है, और तो इसी तरीके से मैंने ये रेड वाला यहाँ जा रहा है, ब्लैक वाला इस पेल्टियर का यहाँ जा रहा है। तो इस पेल्टियर के वायर ये रहे, इस पेल्टियर के ये रहे, और इस पेल्टियर के ये रहे, इस पेल्टियर के ये रहे, तो सारे वायर्स यहाँ आ गए। और 5वां पेल्टियर जो है उसकी वायरिंग ये रही और फैन की वायरिंग ये रही। तो इसे चलाने के लिए मुझे काफ़ी बड़ी पावर सप्लाई की ज़रूरत है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर, सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी पावर सप्लाई इसके लिए बेस्ट रहेगी। और अब आ जाते हैं नीचे वाले पेल्टियर की तरफ। तो ये बड़ी हीट सिंक लगाई है, तो ये काफ़ी बड़ी हीट सिंक लगाई है नीचे वाले पेल्टियर के लिए, ताकि नीचे वाला पेल्टियर भी अच्छे से ठंडा रहे। और ये फ़ैन लगाया है जो कि अपवर्ड्स हवा को पंप कर रहा है, नीचे से हवा खींचता है ऊपर की तरफ फेंकता है। तो इसे ब्लॉक करने के लिए मैंने साइड पर पीवीसी के कुछ पीसेस लगा दिए हैं ताकि ये वाली साइडों से हवा बाहर ना निकले, और इसे मैंने इसे पे सुपर ग्लू कर लिए पीसेस को, जिसके अंदर हमारा फैन नीचे से बाद में स्क्रू कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब होगा ये कि यहाँ से जो नीचे से आने वाली हवा है वो यहाँ से हीट को लेकर बाहर निकल जाएगी, डाउन साइड वाले पेल्टियर की हीट को, तो इस तरीके से अंदर वाला पेल्टियर भी ठंडा हो सकेगा। उसके बाद इसके अंदर नीचे की तरफ से हवा खींचने में प्रॉब्लम थी, तो हमें ये रबर फीट्स लगानी पड़ी ताकि ये इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा रहे, और अगर नीचे से हवा खींचने की जगह इसे नहीं मिलेगी तो हवा बराबर से सर्कुलेट नहीं होगी, जिसकी वजह से हीट सिंक गर्म रहेगी, ठंडी नहीं होगी। तो ये पार्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब आपसे सवाल ये है कि अगर हम इसके ऊपर पंप लगाते हैं
और इसके अंदर नॉर्मल वाटर या रेडिएटर कूलेंट इसके अंदर पंप करते हैं, सर्कुलेट करते हैं एक रेडिएटर लगा के एक्सटर्नल, और उस रेडिएटर के ऊपर हम एक फ़ैन भी लगा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को, यानी कि इन पांच पेल्टियर्स को, इस फ़ैन को और एक रेडिएटर के फ़ैन को और एक पंप को चलाने के लिए मुझे कौन सी पावर सप्लाई यूज़ करनी चाहिए, पहला सवाल तो आप लोगों से ये है। और ये टोटल कितने एम्प्स कंज्यूम करेगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सजेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे सवाल, फाइनल क्वेश्चन जो है कि क्या इसे प्रॉपरली पावर सप्लाई करने के बाद ये इंस्टेंट आइस क्यूब बना सकेगा या नहीं। तो बेसिकली ये एक आइस क्यूब मेकर है जो कि हम इसमें पानी डालेंगे, फटाफट उसी वक्त ये उसे आइस बना देगा। तो अगर ये आइस बना देता है तो ये प्रोजेक्ट एक सक्सेस रहेगा। और फिलहाल ये फूड ग्रेड नहीं है, इसके अंदर बाद में हम कुछ इस तरीके का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो फूड ग्रेड हो, तो उसके अंदर से निकलने वाली आइस हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि शरबत वगैरह बनाने में। तो गर्मी आ रही है जैसे कि आप लोग जानते हैं, और शरबत वगैरह बहुत ज़रूरी हो जाता है, चिल्ड ड्रिंक्स। तो आइस क्यूब अगर आपको उसी वक्त बन कर मिलती रहे, यानी कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर, तो ये एक अलग यूनिक सा प्रोजेक्ट होगा। इसीलिए मैंने इस तरीके का एक क्यूब बनाया है, तो इसे पूरा एंड तक बनाऊंगा मैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, इसका एपिसोड 2 ज़रूर वॉच कीजिएगा, और एपिसोड 2 के अंदर आप इसकी टेस्टिंग भी देखेंगे, और आप लोगों के सजेशन के हिसाब से, आप लोग जिस तरीके से सजेस्ट करेंगे, मैं वही पावर सप्लाई लाने की कोशिश करूंगा, या उसके आसपास की अगर अवेलेबल हो, या मैं अपनी तरफ से कुछ और पावर सप्लाई बनाने की कोशिश करूंगा, ये भी हो सकता है। तो उसके बाद हम इसे टेस्ट करेंगे, और आप लोगों के सामने लाइव टेस्टिंग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये आइस बना सकता है या नहीं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और मिलते हैं इस तरीके की अगली वीडियो में और इसके सेकंड एपिसोड के अंदर। और हैप्पी DIY, थैंक यू फॉर वॉचिंग।